चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर से मैंने एक रेक्टेंगल स्ट्रिप काटा और उसके नीचे सर्कुलर डिजाइन की है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। मैंने ये एक स्ट्रिप ली है गोल्डन, जो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी फेविकॉल से ऊपर की साइड, और ये कुछ और लीफ शेप्स बनाए हैं मैंने, तो वो हमें इस तरह से हमारे स्ट्रिप पे पेस्ट करना है। यहाँ पे हमने फेविकॉल की मदद से कुछ बारीक ग्लिटर इस पे लगाया है। देखिए इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। ग्लिटर लगाना है वहाँ पे, आपको थोड़ा सा फेविकॉल लगाना है और ग्लिटर उतने ही हिस्से पे डालना है, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। और हम कुछ और पेटल्स लगा देंगे यहाँ पे। रेडी है, बहुत सुंदर दिख रही है। फ्रेंड्स, साफे के ऊपर के हिस्से के लिए हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है, और इसको बनाने के लिए मैंने गोल्डन स्ट्रिप ली है। ये स्ट्रिप थोड़ी छोटी थी तो एक और स्ट्रिप ली है। इन दोनों स्ट्रिप्स को मैं जोड़ दूंगी और इस तरह से ज़िगज़ैग फोल्ड करूंगी, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये देखिए ऊपर का जो हिस्सा है, जैसे हम तुर्रा कहते हैं, वो बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसे हमारे साफे के नीचे के हिस्से से जोड़ेंगे। इसे आपको ऐसे पीछे रखना है और यहाँ पे सेलो टेप के चिपकाना रहेगा, तो मैं भी सेलो टेप का यूज़ करके और इसे चिपका रही हूँ। देखिए इतना अच्छा इसका लुक आ रहा है। अब जो लास्ट चीज़ बची है, हमें इसे इस तरह से रोटेट करना है, ध्यान से थोड़ा सा उनके सर का साइज आपको लेना है और उस हिसाब से आपको इसको पीछे क्लोज कर देना है फेविकॉल की मदद से। ये देखिए, तो ये हमारा साफा बिल्कुल रेडी है। Say